तो गाइस सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर ओपन करेंगे और ए प्लस करके किसी चीज को डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम तो ब्लेंडर किट एड ऑन के बारे में बात कर रहे हैं। गूगल में जाएंगे हम लोग और ब्लेंडर किट लिखेंगे, आपके पास आगे आ जाएगा ब्लेंडर किट एड ऑन। और पहले लिंक में जाकर यहाँ पर आपके पास लिखा होगा डाउनलोड ब्लेंडर किट, और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वीडियोस भी मिल सकती हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक वीडियो सी आएगी, इसको आप देखें। हमने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, एडवांस में जाना है। ये आपने तब करना जब आपने ब्लेंडर किट एड ऑन डाउनलोड कर लिया होगा। उसके बाद आपने इंस्टॉल में जाके जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया वहाँ पर जाके आप इसको क्लिक कर दें और फिर आप इसको टिक कर दें। दैट सिंपल। तो मैंने ब्लेंडर किट एड ऑन डाला है, तो मैं सबसे पहले एन दबाऊंगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेन्यू आएगा। आप यहाँ पर छोटा सा एरो है, इसको भी क्लिक कर सकते हैं और आपके पास आ जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल शॉर्ट की इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद आपके पास आइटम होगा, टूल होगा, व्यू होगा, ये दोनों आपके पास नहीं होंगे, ये मैंने एडवांस डाले हुए हैं। बाकी ये ब्लेंडर किट भी नहीं होगा, लेकिन जब आपने डाउनलोड किया तो जरूर होगा। उसके बाद गाइस आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आएंगी, और सबसे पहले तो मैं बेसिक से एडवांस में जाऊंगा। तो बेसिक ये है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट टैब है ये, इसमें आप मॉडल्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मटेरियल्स ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी सीन ले सकते हैं, और यहाँ पर आप HDRIs ले सकते हैं। ये लास्ट वाले कमर्स लिए नहीं बता रहे क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है, तो इसलिए गाइस यहाँ पर आप, अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको मैं यहाँ से आई बनी हुई है, इसको हाइड और अनहाइड हो सकता है। और यहाँ सर्च में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कार चाहिए आप वो भी सर्च कर सकते हैं, फिर आपके पास कार आ जाएंगी। और गाइस ये जिसके ऊपर लॉक सा निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये लॉक है, इसको आप नहीं कर सकते, इसको आपको या तो परचेज करना पड़ेगा या तो आपको उसको रिव्यू देनी पड़ेगी इस तरह का, ठीक है। लेकिन जिन पे लॉक नहीं लगा हुआ तो आप देख सकते हैं उस पे आप सिर्फ आप वो ले सकते हैं, लेकिन जो ब्लेंडर की एड ऑन है वहाँ पर आप काफी ज्यादा चीजें ले सकते हैं, वो लॉक नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ चीज पसंद आई है, फॉर एग्जाम्पल ये, और ये लॉक है, तो आप गूगल से भी ले सकते हैं। तो उसके बाद सेकेंड है मटेरियल, सिंपल आपने सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये है, और आपने तीन तरह के मटेरियल्स डालने हैं। सबसे पहले तो मैं मटेरियल्स टैब में जाता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, फिर चीज को यहाँ पर डाल देता हूँ, और इस हनी वाले को इधर डाल देता हूँ। तो सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उस चीज के ऊपर। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट है सीन। इसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन आपको नाम से पता चल गया होगा, हमें कोई सीन नजर आ जाएगा, हम सीन उठा सकते हैं। इसको मैं अगर ऐसे करूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास सीन आ गया। यहाँ से आप अगर ये सीन उठाना चाहे, मैं एक सेकंड इसको डिलीट कर दूं, यहाँ से आप कोई भी सीन उठा सकते हैं, ये भी उठा सकते हैं। अगर मैं ये इसको क्लिक करूं, यहाँ पर आपके पास आएगा स्विच टू सीन आफ्टर डाउनलोड। अब आपने स्विच, जब आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद आपने सीन को स्विच करना है कि नहीं, वो पे डिपेंड करता है। उसके बाद लिंक है और अपेंड है। अगर आपने अभी डालना है तो आप अपेंड करके ओके कर लें, अगर लिंक करना है तो फिर लिंक कर दें। मैंने इसको अपेंड करना है तो मैं ओके कर लूंगा। उसके बाद आप देखें आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप रेंडर व्यू में जाएं तो ये HDRI भी पहले से ही ले आएगा, वही वाला जो इस सीन में बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जरा कितनी प्यारी लाइटनिंग है। अगर मैं फिर नॉइजर ऑन है, ठीक हो गया। इसकी सेटिंग्स, रेंडर सेटिंग्स भी पहले से ही हो गई हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह। फिर अगर आपने कोई और सीन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं अगर इसको डिलीट कर दूं और अगर ये ले आऊं अपेंड ओके, फिर ये थोड़ा सा लोड होता है, ये टाइम लेता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इसमें पूरा सीन होता है, सिमुलेशन की भी होती हैं। तो इस तरह गाइस अब आप देखें हमारा ये सीन भी आ गया है। यहाँ से कैमरा भी पहले से डला हुआ है। मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ, और अब अगर मैं रेंडर व्यू में जाऊँ तो मैं एक मिनट ऑल्ट एस दबाता हूँ, तो ये अभी पता नहीं, किसी किसी सीन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ग्रास ना हो, या फिर देखे इसमें गमला नहीं लगा हुआ, यहाँ पर आप कुछ और भी डाल सकते हैं। तो ये इन लोगों ने बड़ा प्यारा सीन बनाया हुआ है, सिंपल और लाइटनिंग बड़ी जबरदस्त है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट है HDRIs। अगर आपके पास कोई भी क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सैंडर ऐड करता हूँ, उस पर मैं करता हूँ चले। अब आप देखें मैंने इस पे HDRI डाला, मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूंगा, आगे आपके पास रेजोल्यूशन आएगी। अगर आपने अपना HDRI शो करवाना है तो फिर आप हाई रेजोल्यूशन में करें, लेकिन अगर आपने हाइड करना है, सिर्फ उसकी लाइटिंग इफेक्ट डालनी है, तो फिर आप लो रेजोल्यूशन करें। तो अब मैंने ये किया, तो ये थोड़ा सा लोड होगा और उसके बाद आपके पास आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी बहुत ही लो रेजोल्यूशन है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा हाई करके डालूं, अब आप देखें ये तो हाई में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। तो गाइस देखे काफी देर हो गई है, फिर भी ये टाइम ले रहा है।
चुका है, हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना हाई रेजोल्यूशन में आया है। ये देखिए, मैं आपको पिक्चर भी दिखा लेता हूँ बिफोर एंड आफ्टर की, आप देख सकते हैं।